आदाब सत श्री अकाल, मैं एडवोकेट विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। आज मैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना आया हूं, जो है रिलेटेड टू पॉलिसी विच वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2022 एज वेल एज ये जो आज एक नई चीज बोली जा रही है कि एसपीओस भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी जिसको जहां से खबर मिलती है वो वहीं से बोली जा रहा है, लेकिन इसके पीछे व्हाट आर द रियल फैक्ट्स बेसिक्स इसका क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने कुछ समझने की कोशिश की है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है उस चीज को लेकर, क्योंकि वो अभी तक मेरे हाथ में मैंने कोई देखा नहीं है कि वो फॉर्मल ऑर्डर कोई पब्लिक एट लार्ज आया है, लेकिन उस पर मैं थोड़ी टिप्पणी आज करूंगा। मेरे एसपीओ ब्रदर्स, आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने वो जब पूरी स्टेटमेंट आपने जो मैंने पढ़ी, उस स्टेटमेंट में ये क्लियरली लिखा है कि हम 1995 में एसपीओ क्रिएट हुए थे, 1995 की स्कीम में, जहां पर विलेज डिफेंस ग्रुप कहा जाता था, जिसमें से लीडिंग जो होता था, जो लीडिंग ऑफिसर होता था उसको एसपीओ कहा जाता था, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को वीडीसी मेंबर्स कहा जाता था। अल्टीमेटली उस स्कीम को इन्होंने 2022 में चेंज किया और 2022 में जो विलेज डिफेंस ग्रुप था उसको इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया विलेज डिफेंस गार्ड में। अब जब विलेज डिफेंस गार्ड में इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया तो वहां पर आपकी जो मंथली सैलरीज थी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन थी कि जो लीडर होगा उसको 4500 रुपया और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे, जो वॉलंटियर वीडीजी मेंबर्स होंगे, उनको 4000 रुपया। अब लेकिन एक नई चीज ये बोलते हैं, क्योंकि बाय वर्चू ऑफ द 2022 इन्होंने एसपीओ वर्ड को डिलीट कर दिया, ये बात सच है। लेकिन उसी के साथ अब इन्होंने एक, मैंने देखा कुछ स्टेटमेंट आते हुए जहां पर बोलते जी बोल रहे हैं कि एसपीओ भाइयों को मुबारक मुबारक मुबारक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसमें लिखी हुई थी कि जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज होंगे उसमें वही सैलरी रहेगी। मोस्ट वल्नरेबल एरियाज हुए जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी ज्यादा है, उन एरियाज में 4500 और 4000 तक ही पे रहेगी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने नीचे लिख दिया गया कि अब एसपीओ के लिए सैलरी जो होगी वो इंक्रीज होगी अप टू ₹18,000 रुपया पर मंथ, राइट। अब किस तरीके उसका प्रोसीजर और मैनर क्या है ये मैं आपको आज बता देना चाहता हूं। जिस एसपीओ की सर्विस टेन्योर 3 साल से कम होगा उसको 6,000 रुपया मिलेगा, और जिस एसपीओ का टेन्योर 3 साल होगा कम 5 साल होगा उसको 9,000 रुपया मिलेगा, और जिस एसपीओ का टेन्योर 5 साल से ज्यादा होगा लेकिन 10 साल से कम होगा उसको 12,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जिस एसपीओ का टेन्योर 10 साल से ज्यादा होगा, 15 साल से अगर जिसका काम होगा उसको 15,000 रुपया दिया जाएगा, और जिसका 15 साल से ज्यादा टेन्योर होगा उसको 18,000 रुपया दिया जाएगा। मेरी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में क्या चैलेंज किया है, हमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में यह चैलेंज किया है कि हमें आपने 18,000 से 4500 रुपया क्यों लाया। उस पर हमारा स्पेसिफिक स्टैंड है एक बात कि हम 18,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं रहेंगे। अगर मैं इनका प्रोसीजर पढ़ूं इसको मैं क्या समझूं, एक चीज से एक तरफ से ये कहते हैं कि इनको 1995 की स्कीम से एसपीओ को तैनात किया गया, ये भी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं कि हमें 1995 की स्कीम के साथ हमें एसपीओ तैनात किया गया। अब 1995 से 2023 तक, अगर 2022 तक भी देखो, क्या हमारी सर्विस 15 साल से ज्यादा नहीं हुई, हम तो तब भी 18,000 के लिए इंटाइटलमेंट हैं। तो ये जो चीज अगर आप बोल रहे हो कि जिसकी सर्विस 15 साल से ज्यादा है, जिसने 15 साल से ज्यादा टेन्योर किया है, तो वो 18,000 के काबिल है,
उसको मिलना चाहिए। तो आप क्यों नहीं हमारे हाथ में 18,000 रुपया दे रहे हो, दीजिए ना हमें 18,000 रुपया हमारे हाथ में, अगर आप करना चाहते हो तो दीजिए ना। तोड़ तोड़ के क्या बोल रहे हो कि 3 साल से ज्यादा है। अरे एसपीओ जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था 1995, और सिंस 1995 से लेके हम वी आर इन 2023। आपको आज नींद आ रही है, आप सॉरी आपको आज आप जागे हो नींद से, आज आप बोल रहे हो। अगर आप यहां लिख रहे हो तो मेरे सारे एसपीओ भाई, चाहे वो बनी बसोली का है, कठुआ का है, सांबा का है, किश्तवाड़ का है, रामबन का है, गंदोह का है, भद्रवाह का है, डोडा डिस्ट्रिक्ट का है, किश्तवाड़ का है, पाडर का है, दक्षिण का है, कहीं का भी है, उसकी उसकी सर्विस 15 साल से ऊपर है और वो 18,000 के बिल्कुल इंटाइटलमेंट है, उसको 18,000 रुपया मिलना चाहिए, आपने खुद लिखा है। लेकिन ये जो स्कीम आप कह रहे हो बड़ी, मतलब एक आपने एक ना कंफ्यूजन सी क्रिएट कर दी है माइंड में सबके, कि ये उनके लिए रखिए जिनको अभी आपने टीम लीडर्स जो आपने एज एन एसपीओ नए स्कीम में डाले हैं उनके ऊपर ये रखिए कि जिसकी 3 साल से सर्विस होगी 6,000 कीजिए, उनके लिए अच्छा है, मैं तो वेलकम स्टेप कहता हूं। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जिनको ओल्ड बेल्ट नंबर लगे थे, जिन्होंने सर्विस थानों में दी पिछले 20-22 आप 15 साल क्या बोल रहे हो, 15 साल से ऊपर के निकल गए हैं वो, अब वो रिटायरमेंट की एज में है, कोई 50-55, कोई 60 इसी साल में पहुंच गया है, कोई मेरा भाई 40 का है। लेकिन आपकी बात फिर से मैं काट रहा हूं कि आपने खुद ही बोला है कि जो पुराने मेरे एसपीओ भाई हैं उन नए स्कीम के अंदर वो नहीं आ सकते, ये आपके वर्ड्स थे, क्योंकि ये नए स्कीम आज आप मजबूर हो गए, आपने आज फिर से वर्ड ले लिया एसपीओ, पहले आपने एसपीओ हटाया, आपने बोला अब एसपीओ वर्ड नहीं होगा, टीम लीडर होगा, हम गांव-गांव से नए एसपीओ नियुक्त करेंगे, जिसके ऊपर आप ये अप्लाई करें हमें मंजूर है, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ। लेकिन अगर मैं आपके एक क्लास को देखता हूं जहां पर 15 साल से ऊपर सर्विस है, तो मेरे सारे एसपीओ भाई 15 साल से ऊपर ही है, ये 18,000 रुपया अगर आप देते हो तो अब वेलकम स्टेप है आपकी तरफ से, आप 18,000 रुपया। और इस स्टेट को, इस अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा मोर क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें कि आप किस लेवल से बोल रहे हो, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है, हर एक मीडिया चैनल वाला चला रहा है लेकिन उसको भी नहीं पता कि इसके पीछे बेसिक्स क्या है, इसके बेसिस क्या है आप, और इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे है, क्या है, किसी को पता नहीं है। लेकिन गुमराह मत कीजिए, ये जो 18,000 रुपया आप कह रहे हैं मोर देन 15 ईयर, ये हम पर एप्लीकेबल होता है, आज भी कह रहा हूं आज हम पे एप्लीकेबल होता है 18,000 रुपए वाला, क्योंकि 15 साल से मोस्ट ऑफ दी एसपीओ की सर्विस 15 साल से भी ऊपर ऊपर हो गए हैं, आप मत कीजिए। और अगर ये जो आप कह रहे हैं कि 3 साल से जिसकी सर्विस नीचे होनी चाहिए, जिसकी कम है और जिसकी 3 साल से ऊपर है उसको, और 5 साल से कम है वो 9,000, जिसकी 3 साल से कम, ये आप एप्लीकेबल कीजिए नए एसपीओ में जो आप नियुक्त करेंगे नए स्कीम में, हम इंटाइटलमेंट है 18,000 से, हम 18,000 से एक रुपया भी कम नहीं लेंगे, ये स्कीम हमारी ऑलरेडी हमने हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है, मैटर इज सब जुडाइज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, गुमराह मत कीजिए प्लीज मेरे एसपीओ भाइयों को, गुमराह मत कीजिए, क्योंकि आपकी करने में और कथनी और करने में आदमी बड़ी फर्क, आपका बहुत फर्क है, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। लेकिन मैं फिर से मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एडवोकेट विक्रम राठौर लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं एलजी साहब को, प्लीज सर इसमें क्लैरिफिकेशन हम मांगते हैं, इसको मोर क्लैरिफाई करके हमें बताइए, हम आज की डेट में एसपीओ कोई इतने अनपढ़ आदमी नहीं बैठे हुए कि आप जो भी कानून पे थोपोगे वो वहां पे इंप्लीमेंट होगा। इसी के साथ मेरे लास्ट वर्ड हैं, जो हम पुरानी स्कीम में थे, हमने पुरानी स्कीम के तहत नौकरियां की हैं, ओल्ड बेल्ट नंबर लगे थे, थानों में ड्यूटी की है, पेट्रोलिंग की है, हम इंटाइटलमेंट है 18,000 के लिए हकदार हैं। और दूसरी बात, अगर आपका एक क्लॉज में देखूं मोर देन 15 ईयर्स, तो 15 साल से ज्यादा हमारी सर्विस हो गई है, वी आर इंटाइटल टू गेट ₹18,000 per month। जय हिंद, जय भारत।